मैं फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, ये एक 4 मार्क के क्वेश्चंस में आपको देखने के लिए मिल सकता है, जहां पर आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स यहां पर अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन मैंने महारिविजन में बहुत ही दिल से समझाने की कोशिश की थी, जहाँ पर मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, उसके बाद आपका जितने भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी हो, लॉ ऑफ डीएमई हो, या वेरिएशन इन सप्लाई, वेरिएशन इन डिमांड, इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, जितने भी डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आपने और मैंने दोनों ने मिलकर सॉल्व करने की कोशिश की थी, जिसको आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। रही आया तो आप महारिविजन का लेक्चर आराम से देखिए, उसके अंदर टाइम स्टैम्प भी अवेलेबल करा कर दिया, जहां पर आप जाकर चेक कर सकते हैं कौन से चैप्टर में आपको डिफिकल्टी है। फास्ट फॉरवर्ड 1.5 1.2x की स्पीड से आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां पर आपको मैं बात करता हूं, अगर डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन की अगर मैं बातें कर रहा हूं, तो सबसे पहले मुझे यहां पर क्या चीज़ें दी है, ज़रा हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। सर, ये एक डायग्राम दिया है, इस डायग्राम के अंदर मुझे बोलता है व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी। सर, जब टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है ना, सर बढ़ रही है ना, तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट मार्जिनल यूटिलिटी है ना नीचे की तरफ जा रही है, तो सर ये इंक्रीज हो रहा है, तो सर ये क्या हो जाएगा, सर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है सर, इतनी बातें समझ में आ गई। यस सर, नेम द यूनिट वेयर कंज्यूमर विल डिराइव डिस यूटिलिटी, यानी जहाँ पर उसको डिस यूटिलिटी मिल रहा है सर, या ये जो ब्लैकिश वाला पार्ट है ना बेटा, ये ब्लैकिश वाला पार्ट को बोलते हैं डिस यूटिलिटी वाला पार्ट। क्या बोलते हैं सर? डिस यूटिलिटी वाला पार्ट। तो सर 6 तक तो काम बन रहा था, 6 तक तो जीरो पे चल रहा था, वो 7 पर आते ही वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो यूनिट पे 7th यूनिट्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे 7th यूनिट आपका डिस यूटिलिटी क्रिएट करता है। व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, यानी जब टोटल यूटिलिटी यहाँ पर मैक्सिमम पर आ गया सर, ये मैक्सिमम लेवल है, ये जो पॉइंट मैं आपकी बात कर रहा हूँ ये मैक्सिमम लेवल है। तो मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ पर था सर? तो जब ये मैक्सिमम था तो ये फुल सेटिस्फैक्शन पर था सर, फुल सेटिस्फैक्शन इंडिकेट विद द जीरो, तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जीरो पर थी। नेम द यूनिट वेयर कंज्यूमर विल डिराइव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, भाई साहब ये कौन सा, जहाँ पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर बताया पॉइंट नंबर जो 6 है, ये जो 6 वाला पार्ट मैंने यहाँ पर लिखा है, ये वाला जो पार्ट है वो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे रहा है। ठीक है, तो ये यूनिट 6 आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है सॉरी ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। ये इस शेड्यूल को अगर आपने नहीं भी बना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इसको ऑब्जर्व करके डायरेक्टली देख सकते हैं। यस सर, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं सर, ये यहाँ पर सर देखिए प्राइस आपका सेम देखने के लिए मिल रहा है। यस सर, तो सर आपने 2 कॉन्सेप्ट बताया था, एक कॉन्सेप्ट आपने बताया था वेरिएशन इन डिमांड का, जहां पर प्राइस फ्लक्चुएट होता है, अदर फैक्टर रिमेन सेम। ठीक है सर, दूसरा आपने बताया था चेंजेस इन डिमांड का। यस बेटा, वेरिएशन में क्या होता है और चेंजेस में क्या होता है, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। वेरिएशन में प्राइस चेंज होता है, अदर फैक्टर सेम रहते हैं। ठीक है, चेंजेस इन डिमांड के अंदर प्राइस सेम रहता है और अदर फैक्टर रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। तो यहाँ पर आपका प्राइस सेम है, मतलब ये जो डायग्राम है वो चेंजेस से रिलेट रहता है। तो डिमांड कब D1, तो देखो यहाँ पर D1, यहाँ पर देखो D दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पर D1, तो सर ये D1 यहाँ पर है, सर ये D यहाँ पर है, सर ये D यहाँ पर है और D1 यहाँ पर है। तो सर ये वाला जो है वो आगे की तरफ जा रहा है कि पीछे की तरफ जा रहा है? तो सर ये आगे की तरफ गया है सर, ये आगे की तरफ गया है सर, ये डी से डी वन की तरफ गया है सर, ये डी से डी वन की तरफ गया है। तो सर ये आगे की तरफ गया है, तो उसको बोलेंगे सर इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलेंगे सर? इंक्रीज इन डिमांड। और D2 बोला है सर, ये D2 है, ये D2 है, तो देखो ये वाले डिमांड नीचे ठीक है अंदर की तरफ आई है। यस सर, तो इसको बोलेंगे सर डिक्रीज इन डिमांड। क्या बोलेंगे सर? डिक्रीज इन डिमांड। सर आपने क्लियरली बताया था कि ये आपका प्राइस सेम रहने वाला है और ये मेरा एक पहला फैक्टर रहने वाला है,
ये हो गया मेरा पहला डिमांड। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर मेरा एक और डिमांड है, तो यहाँ पर डिमांड मेरा क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। पहले ये डी पर था, डी वन, तो ये आगे की तरफ गया, तो इसको बोलेंगे सर इंक्रीज। क्या बोलेंगे? इंक्रीज। और अगर मैंने अंदर की तरफ डिमांड ले ले, तो अब मेरा डिमांड यहाँ पर क्या हो रहा है, अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे डिक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। अब ये ऊपर के दिए गए डायग्राम को आपको लिखना है, समझाना है। तो सर ये डायग्राम क्या बताता है? सर आपने बताया चेंजेस इन डिमांड बताता है। इसका मतलब द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कॉन्स्टेंट, बट अदर फैक्टर्स विल अफेक्ट द डिमांड। मतलब व्हेन द डिमांड गेट फ्लक्चुएशन ड्यू टू चेंजेस इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बट प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट, यानी जब आपके डिमांडेड चेंज होते हैं ड्यू टू अदर फैक्टर चेंजेस बट प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट, इसको कहते हैं चेंज इन डिमांड। क्या कहते हैं? चेंज इन डिमांड। कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब बात करते हैं इस डायग्राम की। ये डायग्राम आपको क्या कहने की कोशिश करता है, ज़रा देखते हैं। सर ये प्राइस और क्वांटिटी, तो ये ए है और ये ए से बी की तरफ जा रहा है और ये बी से ए की तरफ आ रहा है। तो सर समझाने की कोशिश आप कीजिए कि सर डायग्राम ए आपको क्या बताता है, डायग्राम बी आपको क्या दिखाता है। देखिए आपका यहाँ पर डिमांड ए से बी की तरफ जा रहा है, तो सर ए से बी की तरफ जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, आगे जा रहा है। हाँ सर, उसको बेटा बोलेंगे एक्सपांशन ऑफ डिमांड। क्या बोलेंगे सर? एक्सपांशन। सर अभी आपने ऊपर एक्सप्लेन किया था वेरिएशन वाला पार्ट। हाँ बेटा, ये वेरिएशन वाला पार्ट ये, जहाँ पर प्राइजेस की वजह से आपके डिमांड चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर ए से वो बी की तरफ जा रहा है, तो उसको एक्सपांशन बोलेंगे। और ये बी से ए की तरफ पीछे आ रहा है, सर पीछे आ रहा है, तो सर इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या बोलेंगे सर? कॉन्ट्रैक्शन। तो सर ये क्या बताता है? ये बताता है बेटा एक्सपांशन इन डिमांड, और ये क्या बताता है सर? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको लाइव लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया है। सर डायग्राम ए का मूवमेंट डिमांड कर्व कैसे डायरेक्शन में, और बी का मूवमेंट किस डायरेक्शन में है? तो सर ए का है ना, ए नीचे की तरफ जा रहा है, ए नीचे की तरफ जा रहा है, ए नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे जा रहा है डाउनवर्ड, देखो नीचे जा रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। और यहां पर ये ऊपर की तरफ आ रहा है सर, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसको बोलेंगे सर अपवर्ड डायरेक्शन। क्या बोलेंगे सर? अपवर्ड। सर एक एक वर्ड लिखने पर मार्क्स मिल जाएगा बेटा, पूरा चुम्बेश्वरी मार्क्स मिलेगा बेटा, डोंट वरी टेंशन, ठीक है। अब सर ये चार डायग्राम आपको दिया है, ये चार डायग्राम देख के आपको एक चीज़ याद हो गई होगी कि सर ये आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ाया था। सर एक बार वापस बताने की कृपा कर सकते हैं क्या बेटा? यस। पहला आपने पढ़ा था यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, फिर पढ़ा था रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, फिर रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, फिर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, और एक पढ़ा था परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। यस सर। हाँ अब हमें क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द अबव डायग्राम। सर आपने बताया था जहाँ पर डिमांड सेम रहेगा, क्या था? व्हेन देर इज नो चेंज इन डिमांड बट द प्राइस रिमेन गेट्स चेंजेस, व्हेन देर इज नो चेंज इन डिमांड बट प्राइस गेट्स चेंजेस, तो इसको कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। सर ये है परफेक्टली, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं सर? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इसको कहेंगे। यस सर। व्हेन द प्राइजेस, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कॉन्स्टेंट बट डिमांड गेट्स फ्लक्चुएट, प्राइस सेम है डिमांड फ्लक्चुएट है, सर इसको क्या बोलेंगे? सर इसको बोलेंगे बेटा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यस सर। फिर बात करेंगे सर, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो गैप है और यहाँ पर गैप दोनों सेम दिख रहा है, तो सर सेम गैप को आपने बताया था यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या बताया था सर? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। एंड सर प्राइस का गैप और क्वांटिटी की गैप में डबल का अंतर दिख रहा है। यस सर, डबल का अंतर दिख रहा है, तो उसको बोलेंगे सर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? ये इसमें ही आपको 2 मार्क्स तो मिल जाने वाले हैं। राइट द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसका डिमांड कर्व क्या होने वाला है। तो सर आपने बताया था
परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में सर ये है ना पैरेलल टू वाई एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस सर ये है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ठीक है, पक्का इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, यहाँ पर आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यूनिट्री में आएगा बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और यहाँ पर सर आएगा स्टीपर स्टीप फ्लैटर आएगा सर, फ्लैटर 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 है कि स्टीपर है बेटा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, मेरे हिसाब से क्या होगा देख लेना, मेरे हिसाब से फ्लैटर होगा ठीक है। मैंने जो आपको बताया था रिलेटिवली इलास्टिक में फ्लैटर था, रिलेटिवली इन इलास्टिक में स्टीपर था ठीक है, जहाँ पर इस तरीके का डायग्राम बनता था एक नॉर्मल कर्व हो गया, यहाँ पर प्राइस अगर आपका एक सेंटीमीटर बड़ा है तो क्वांटिटी इस तरीके से आधा हो जाएगा, यहाँ पर आपका इस तरीके से बनता था, तो ये रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड के अंदर आपने ये डायग्राम देखा होगा। यस सर, अब सर ये डायग्राम आपको दिया है ये क्या बताता है सर, जरा इसको बताने की कोशिश कीजिए। तो बेटा ये डायग्राम के अंदर आपको क्या बोलता है, विच मेथड और मेजरिंग इलास्टिसिटी यूज इन अबाउ डायग्राम, तो सर इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मेथड या पॉइंट मेथड। सर मतलब क्या होता है, देखो बेटा ये लाइन के अंदर मैंने ए इंडिकेट किया, बी इंडिकेट किया, सी इंडिकेट किया, डी इंडिकेट किया, ई इंडिकेट, तो ये पॉइंट है ना, तो बेटा इसको बोलते हैं पॉइंट मेथड, क्या बोलते हैं पॉइंट। अब मेंशन द टाइप ऑफ इलास्टिसिटी एट पॉइंट सी, सी पर ये कौन सा होगा बेटा, तो यहाँ पर सी दिख रहा है बेटा सी, ये सी आपको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इंडिकेट करता है। यस सर, अब फाइंड आउट द इलास्टिसिटी एट पॉइंट डी अप्लाइंग द फॉर्मूला, भाई साहब डी वाला डी 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 सर, डी मतलब बीच में आ रहा है सर, डी वाला मतलब बीच में आ रहा है, तो सर ये जो डिमांड कब है ये होगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, क्योंकि वो बताता है कि सर दोनों का वैल्यू क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है ठीक है, बात समझ में आ रही है। यस सर, और इस पर आपको एक मार्क दो मार्क मिलने वाला है। पॉइंट नंबर छः की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ आते हैं, तो सर यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है जो आपने कल बताया था फॉर्म्स ऑफ मार्केट पे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन में सर आपने कुछ इस तरीके का डायग्राम सिखाया था। यस बेटा मैंने सिखाया था, मैंने ये बताया था कि इसमें लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई आपने मैचअप कर देना आपका बन जाएगा। मेंशन द इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड इक्विलिब्रियम प्राइस इन द अबव डायग्राम, बेटा यहाँ पर देखो ये आपका प्राइस इंडिकेट करेगा, तो सर 300 रुपये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, और ये मेरा 3000 क्वांटिटी दिखा, तो 3000 क्वांटिटी मेरा इक्विलिब्रियम क्या हो गया, पॉइंट हो गया ठीक है। यस सर, तो सर ये 3000 मेरा क्या हो गया सर, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया, और 300 रुपये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाने वाला है, तो ये मेरा 3000 और 300 रुपये की बात यहाँ पर हो रही है, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई मेरा क्या है, सेम है, इसलिए इसको बोलेंगे बेटा इक्विलिब्रियम प्राइस बोलने वाले हैं। दूसरा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस विद द हेल्प ऑफ द अबव डायग्राम, सर इसमें कैसे बताना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर इंडिकेट करना है, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के टाइम पर भी ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की है कि सर आपने बताया था कि सर आपने ये बताया था कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या करो, लॉ ऑफ डिमांड और इसको मैचअप करने की कोशिश कर दो। सबसे पहले आपको लिखना है कि सर ओ एक्स एक्सिस क्या दिखाता है, सर ओ एक्स एक्सिस दिखाता है क्वान्टिटी डिमांडेड एंड सप्लाई, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई ठीक है। दूसरा सर ओ वाई एक्सिस क्या दिखाता है, ओ वाई एक्सिस दिखाता है प्राइस। तीसरा सर डी डी तेरा देवर दीवाना मतलब डिमांड कर्व, उसके बाद एस एस मतलब सर क्या, सप्लाई कर्व, ये आपने इंडिकेट कर दिया। फोर्थ व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज 100, 5000 क्वांटिटी इज डिमांडेड बट 1000 सप्लाई इज पॉसिबल, तो इट इज़ अ पोजिशन जहाँ पर आपकी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम, तो इट इज़ अ पोजिशन ऑफ शॉर्टेज, और जहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है इसका पोजिशन को बोलेंगे एक्सेस, ज़्यादा है कम है, तो उसी चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है, शॉर्टेज एंड एक्सेस को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है।
इट शोज द, अच्छा प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशन है सर? इनवर्स रिलेशन है। बट सप्लाई में कौन सा रिलेशन है सर? डायरेक्ट रिलेशनशिप होने वाला है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई उसी को आप यहाँ पर पॉइंटर पॉइंटर करके लिखना, लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई दोनों को मिक्स करके कर दोगे तो आपका ये क्वेश्चन रेडी हो जाने वाला है। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ नेशनल इनकम का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखने के लिए मिल रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा। इसको बोलते हैं सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या बोलेंगे सर? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलेंगे। क्या बोलता है सर ये? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ अबाउ डायग्राम। सर यहाँ पे कितने लोग हैं सर? हाउस होल्ड और फर्म दो है, तो इसको बोलेंगे टू सेक्टर मॉडल। क्या बोलेंगे सर? टू सेक्टर मॉडल बोलने वाले हैं। दूसरा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी फ्लो इन द अबाउ डायग्राम। सर इसमें क्या होता है पता है? इसमें क्या होता है पता है? यहाँ पर रियल फ्लो को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को दो चीज़ें समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर मुझे फैक्टर मार्केट और लोअर हाफ को मुझे क्या समझना पड़ेगा? कमोडिटी मार्केट। मतलब यहाँ पर ये जो फर्स्ट पार्ट है उसको अलग करना पड़ेगा और सेकेंड पार्ट को मुझे अलग करना है। जो अपर पार्ट मार्केट है वो फैक्टर मार्केट और जो लोअर मार्केट है वो कमोडिटी मार्केट है। ठीक है, अब ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ जो हाउस होल्ड फर्म को देता है, हाउस होल्ड फर्म को देता है, वो क्या देता है सर? वो देता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर देता है। बदले में फर्म उसको क्या रिटर्न करता है? फर्म उसको रिटर्न करता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट रिटर्न करता है। ठीक है, ये चीज़ें हमने यहाँ पर सेकेंड में दिखा दी। क्लियर? तो यहाँ पर फर्म क्या करता है? फर्म यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है। किसको? फर्म, किस हाउस होल्ड। यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म को देता है। फर्म बदले में क्या देता है? फर्म बदले में रेंट, लेबर, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और कैपिटल, अपना प्रॉफिट रिटर्न करने का काम करता है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी फ्लो की बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी फ्लो की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सर यहाँ पे मनी फ्लो क्या होता है कि फैक्टर पेमेंट सच है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट वगैरह की बात यहाँ पर हो रही है। और मनी फ्लो यहाँ पर क्या होता है सर? हाउस होल्ड, हाउस होल्ड अपनी एक्सपेंडिचर, देखो हाउस होल्ड अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करेगा? वो कुछ भी सामान और अपनी नीड को कम्प्लीट करने के लिए फर्म के पास जाएगा। यस सर, तो वहाँ पर वो पैसा देकर आएगा। वो पैसा जा रहा है कि आ रहा है सर? जा रहा है। और बाद में वही पैसा फर्म के पास जाएगा, फर्म वही करेगा, वही पैसे से अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करेगा। वो वापस हाउस होल्ड के पास आ गया, हाउस होल्ड क्या करेगा? अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हाउ मनी फर्म के पास जाएगा, वापस पैसा देगा, नीड को पूरा करेगा, फर्म को वो पैसा मिल गया। इस बात समझो, मान लो मैं रिलायंस मॉल में काम कर रहा हूँ, रिलायंस में मैं एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ, मैंने वहाँ से मुझे सैलरी मिली, सैलरी मिली, मैं आ गया दुकान में, गया दुकान में, मैंने पैसे दिया, अपनी ज़रूरतों को पूरा किया। वो सामान वो कहाँ गया? इकोनॉमी में वापस चला गया। इकोनॉमी वाला क्या करेगा? वापस से माल खरीदेगा। यानी वो क्या करना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होने वाला है। हाउस होल्ड फर्म को सर्विस देता है, बदले में वो फैक्टर्स इनकम मिलती है। जो पैसा मिलता है उससे हम अपनी नीड पूरी करते हैं, जो फर्म ने आउटपुट दिया होता है उसका। आई होप आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यानी यहाँ पर हाउस होल्ड अपने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस फर्म को प्रोवाइड करता है, फर्म उसके बदले में उसकी पेमेंट करता है। हाउस होल्ड अपने एक्सपेंडिचर को, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने का काम करता है, फर्म उसको फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। यानी मैं उसको पैसा दूंगा, ये मुझे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देने वाला है। तो ये फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होने वाला है, वो भी टू सेक्टर की बात यहाँ पर होने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। हमने इसके प्रीवियस सेशन में टेबल ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हुए हैं, आठ डायग्राम की भी हमने यहाँ पर प्रैक्टिस कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहे। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।